तो मगरमच्छ के लिए कोई अपनी नौकरी छोड़ सकता है, ये तो कम ही दिखता है। अब बात एक और वीडियो की कर लेते हैं। जिन नेताजी को आप जिताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उनका आचरण कैसा है? यूपी में निकाय चुनाव के परिणाम आने के साथ ही नेताजी की दबंगई की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक नेताजी के समर्थक बेलगाम होते दिख रहे हैं। पुलिस के मना करने के बाद भी फायरिंग की गई। कानून का मजाक उड़ाने वाले नेताजी कौन है, जरा आप भी देखिए। किया जा रहा है कि यूपी में नेताजी की जीत के बाद उनके समर्थक मुंबई पर उतर आए। कहा जा रहा है कि नेताजी के बेलगाम समर्थकों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। दावा है कि नेताजी और उनकी फौज ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। यहां तक कि जनता का पैसा नेताजी के लिए सरेआम लुटाए जाने की खबरें भी हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि नगरपालिका परिषद चुनाव के बाद नेताजी का असली चेहरा देखा। नेताजी के बेलगाम गुंडों की वजह से कई लोगों की जान जाते जाते बची। फायरिंग के बाद भगदड़ के भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये यूपी का है और ये बीजेपी सरकार की छवि पर सवाल उठा रहा है, लिहाजा हमने पड़ताल शुरू की कि आखिर वीडियो में दिखने वाले नेताजी हैं कौन। उन्होंने नगर निकाय चुनाव जीता है तो किस पार्टी से उनका नाता है? क्या योगी राज में खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाने वाली तस्वीर हाल की है? यूपी में हमने उन शहरों की लिस्ट निकाली जहां नगरपालिका परिषद के उम्मीदवार जीते और फिर वीडियो में दिख रहे नेताजी से मिलान किया। पड़ताल में पता चला कि इन नेताजी का नाम राजुद्दीन एडवोकेट है और वो बागपत के चेयरमैन बने। चेयरमैन बने नेताजी घर की ओर रवाना हुए तो उनके समर्थक गुंडई पर उतर आए और पुलिस के सामने ही बवाल काटने लगे। देखिए, पुलिस की जीप में बैठे बैठे ही एक पुलिस वाला मोबाइल से वीडियो बना रहा है, जबकि यूपी में विजय जुलूस निकाले जाने पर पाबंदी लगाई गई। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार को हराने का खुमार उनके सिर पर इतना छाया कि समर्थक फायरिंग करने लगे। ये फायरिंग पूर्व मंत्री नवाब कोकब मीत की हवेली पर हुई। इसके थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को पीटा भी गया। हमने वीडियो जब पुलिस को दिखाया तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वहाँ 144 के उल्लंघन में मुकदमा लिखा है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। इसमें जो जो घटनाएं संज्ञान में आएंगी और जिनका जिनका कोई एविडेंस होगा उन धाराओं का इसमें संज्ञान लिया जाएगा और उस हिसाब से तफ्तीश करके कार्रवाई की जाएगी। हमारी पड़ताल में नेताजी के बेलगाम गुंडों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सच्चा साबित हुआ। बागपत से सनत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।